आज का टॉपिक है प्लांट एनाटॉमी। बीएससी द्वितीय वर्ष का तृतीय पेपर है और प्लांट एनाटॉमी में अपन ने विद ज्योति की उत्तक की संरचना पढ़ चुके थे, पेरिडर्म क्या होती है वो पढ़ चुके थे, कोशिका भित्ति की संरचना पढ़ चुके थे। आज अपन पढ़ रहे हैं तने की प्राथमिक संरचना। तने की प्राथमिक संरचना, अब तो तना होता है, तने की दो प्रकार की संरचना पाई जाती है, एक प्राथमिक संरचना होती है और एक द्वितीयक संरचना होती है। तो प्राथमिक संरचना क्या होती है? वह संरचना जिसमें कोई द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है उसको प्राथमिक संरचना कहते हैं। और जैसे ही तने में द्वितीयक वृद्धि शुरू हो जाती है तो द्वितीयक वृद्धि के पश्चात बनने वाली संरचना को द्वितीयक संरचना कहते हैं। तो आज अपन देखेंगे तने की प्राथमिक संरचना। तने की प्राथमिक संरचना का अध्ययन करने के लिए इसके दो सेक्शन काटे जाते हैं, एक सेक्शन के दो डायग्राम बनाए जाते हैं, एक आउटलाइन डायग्राम और दूसरा सेलुलर डायग्राम। अब जो आउटलाइन डायग्राम है उसमें सबसे बाहर तने में क्यूटिकल पाई जाती है जो क्यूटीन की बनी होती है। क्यूटिकल के अंदर एकल परतीय सुरक्षात्मक परत पाई जाती है जिसको अधिचर्म या एपिडर्मिस कहते हैं और इस अधिचर्म में कई बात रंध्र पाए जाते हैं एवं स्टेम हेयर पाए जाते हैं जो प्राय बहुकोशिकीय होते हैं। एपिडर्मिस से नीचे वल्कुट पाया जाता है। वल्कुट, ये अलग अलग पौधों में वल्कुट की संरचना अलग अलग होती है। कुछ पौधों में वल्कुट प्राय मृदुत्तक का ही बना होता है जबकि अन्य पौधे जैसे मरुस्थलीय पौधे हैं, जिरोफिटिक प्लांट हैं, उसमें वल्कुट में क्लोरोफिल का निर्माण हो जाता है और वे उत्तक जिनमें क्लोरोफिल का निर्माण हो जाता है उन उत्तकों को क्लोरन काइमेटस टिश्यू कहते हैं। तो जो जीरोफिटिक प्लांट है उनमें वल्कुट में क्लोरीन काइमा पाया जाता है और इसी तरह से जो हाइड्रोफिटिक प्लांट है उन हाइड्रोफिटिक प्लांट में वल्कुट में बहुत बड़े बड़े वायु कोष्ठ पाए जाते हैं और उन वायु कोष्ठ युक्त मृदुत्तक को एरेन काइमा कहते हैं जो उस पौधे को उत्प्लावकता प्रदान करते हैं। इसी तरह से वल्कुट के बाह्य परत कुछ पौधों में दृढ़ उत्तक की बनी होती है जो प्राय एक या दो परतों की पाई जाती है और उन दृढ़ उत्तक की परतों को हाइपोडर्मिस कहते हैं जो पौधे को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करती है। तो कहने का मतलब यह है कि वल्कुट की संरचना पौधे से पौधे में भिन्न भिन्न होती रहती है। कई तरह की संरचना पाई जाती है, अलग अलग पौधे में वल्कुट की अलग अलग संरचना पाई जाती है। किसी पौधे में वल्कुट पर मृदुत्तक का पाया जाता है और कुछ पौधे में मृदुत्तक के साथ साथ स्थूलकोण उत्तक एवं दृढ़ उत्तक भी पाया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ पौधों में क्लोरीन काइमा एंड एरन काइमा भी पाया जाता है। वल्कुट की जो सबसे आंतरिक परत है उसको अंत त्वचा कहते हैं, एंडोडर्मिस कहते हैं। तो वल्कुट एपिडर्मिस से लगाकर एंडोडर्मिस तक फैले हुए क्षेत्र को वल्कुट कहलाता है और इसकी जो आंतरिक परत जैसे मैंने बताया उसको अंत त्वचा कहते हैं और इनकी कोशिकाओं के आकार ढोलक नुमा होता है, बरेल शेप होता है। वल्कुट के अंदर रम्भीय क्षेत्र पाया जाता है। अब रम्भ क्या होता है, स्टील किसे कहते हैं? स्टील पेरिसाइकल और उसके अंदर पाए जाने वाले सभी उत्तकों के समूह को संयुक्त रूप से रम्भ कहते हैं। तो कौन कौन से उत्तक पाए जाते हैं स्टील में या रम्भ में? पेरिसाइकल, संवहन कुल, पीथ, मेडुलरी रेंज,
ये सब मिला के रंभ कहलाते हैं। अब सबसे बाहर है पेरिसाइकल। पेरिसाइकल कुछ पौधों में आंशिक रूप से दृढ़ उत्तक की होती है और आंशिक रूप से मृद उत्तक की होती है। कुछ पौधों में पेरिसाइकल पूर्ण रूप से दृढ़ उत्तक की होती है। तो पेरिसाइकल भी पौधे पेरिसाइकल की संरचना भी प्लांट टू प्लांट वेरी करती है। पेरिसाइकल से पौधों में प्राय पार्श्व जड़ों का निर्माण होता है, लेटरल रूट्स का निर्माण होता है। तो पेरिसाइकल का मुख्य काम लेटरल रूट बनाना या पार्श्व जड़ों का निर्माण करना होता है। अब संवहन पुल, अपन बात कर रहे हैं तने की। तो मेन जो तने का जो लाक्षणिक गुण है वो होता है इनका संवहन पुल। तो संवहन पुल कैसा पाए जाते हैं तने में? तो तने में संवहन पुल पाए जाते हैं पहला है कॉन्जॉइंट या संयुक्त। संयुक्त तरह के संवहनपुल से तात्पर्य यह है कि जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही त्रिज्या पर पाए जाते हैं। वे संवहनपुल जिसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही त्रिज्या पर पाए जाते हो उसको संयुक्त संवहनपुल कहते हैं और ये तने में पाया जाता है। दूसरा है कोलेटरल, समपार्श्वीय। समपार्श्वीय संवहनपुल वे संवहनपुल होते हैं जिसमें फ्लोएम परिधि की तरफ होता है और जाइलम अंदर की तरफ या केंद्र की तरफ होता है। तो वे संवहनपुल जिसमें फ्लोएम और जाइलम दोनों एक ही त्रिज्या पर पाए जाते हो उसको कॉन्जॉइंट कहते हैं, एवं जिसमें फ्लोएम बाहर की तरफ हो जाइलम अंदर की तरफ पाया जाता हो उसको कोलेटरल कहते हैं। तो तने का दूसरा संवहन पुलों का जो गुण है वो है समपार्श्वीय संवहन पुल पाए जाते हैं। तीसरा होता है इसमें ओपन। ओपन संवहन पुल से तात्पर्य यह है कि संवहन पुल जाइलम और फ्लोएम के बीच में ऐधा पाई जाती है। ये जाइलम ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, इसके बीच में ये कैम्बियम पाई जाती है। जब कैम्बियम पाई जाती हो तो उस तरह के संवहन पुल को ओपन तरह का कहते हैं। और जिन पौधों में कैम्बियम अनुपस्थित हो उनको क्लोज कहते हैं। और ये कैम्बियम उत्तरदायी होती है द्वितीयक वृद्धि के लिए। और चौथा इनका जो गुण है वो ये है एंडार्क। जो संबंध पुल पाए जाते हैं जैसा मैंने बताया कॉन्जॉइंट जाइलम एंड फ्लोएम दोनों एक ही त्रिज्या में पाए जाते हो, कोलेटरल फ्लोएम बाहर की तरफ जाइलम अंदर की तरफ हो, ओपन फ्लोएम और जाइलम के बीच में ऐधा पाए जाती हो, एवं लास्ट में है एंडार्क या अंत आदि दारू। अंत आदि दारू का मतलब यह है कि प्रोटोजाइलम, यह है प्रोटोजाइलम, ये है मेटाजाइलम, जब मेटाजाइलम परिधि की तरफ हो और प्रोटोजाइलम केंद्र की तरफ पाया जाता हो उस कंडीशन को एंडार्क कहते हैं। प्रोटोजाइलम केंद्र की तरफ और मेटाजाइलम परिधि की तरफ पाया जाता हो तो उस कंडीशन को एंडार्क कहते हैं। तो इसमें चार तरह के जो मेन गुण हैं वो पाए जाते हैं, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ओपन एंड एंडार्क। और इन गुणों के बेस पर ही जड़ व तने में अंतर किया जाता है।
जो जड़ होती है उसमें कॉन्जॉइंट की जगह रेडियल संबंध पोल पाए जाते हैं, कॉन्जॉइंट की तरह रेडियल संबंध पोल पाए जाते हैं, अरीय संबंध पोल पाए जाते हैं। अरीय संबंध पोल का मतलब यह है कि जाइलम और फ्लोएम दोनों अलग अलग त्रिज्या पर पाए जाते हैं। उसमें कोलेटरल संबंध पोल जड़ में नहीं पाए जाते हैं, केवल तने में ही पाए जाते हैं। उसमें ऐधा नहीं पाई जाती है, अतः जड़ में संबंध पोल क्लोज टाइप के होते हैं और जड़ों में संबंध पोल का जो प्रोटोजाइलम होता है वो परिधि की तरफ होता है, जबकि तने में प्रोटोजाइलम केंद्र की तरफ होता है। जब प्रोटोजाइलम केंद्र की तरफ हो उसको एंडार्क, और जब प्रोटोजाइलम परिधि की तरफ हो उसको एग्जार्क कहते हैं। तो जड़ में एग्जार्क कंडीशन पाई जाती है, तने में एंडार्क कंडीशन पाई जाती है। तो ये संबंध पोल के आधार पर जड़ व तने में अंतर किया जाता है, विभेद किया जाता है। तो किसी भी तने की संरचना ज्ञात करने के लिए उसके दो डायग्राम बनाए जाते हैं, ये है आउटलाइन डायग्राम। और इस आउटलाइन डायग्राम का ये पार्ट लेके इसको कीजिए सेलुलर डायग्राम बनाया जाता है। सेलुलर डायग्राम में कोशिका की संरचना कैसे होती है वो इसमें स्पष्ट दर्शानी पड़ती है। इसमें आउटलाइन में कोई कोशिका की संरचना नहीं दर्शाई गई है, जबकि सेलुलर में हरेक कोशिका की अलग संरचना दर्शाई गई है। ये एपिडर्मिस है, ये रूट हेयर है जो मल्टी सेलुलर है। अब ये कोशिका जिसमें डबल वॉल्ड है, इसका मतलब ये है आउटर कॉर्टेक्स है और ये स्क्लेरेंकाइमा है। और ये गोल कोशिका है तो ये है पैरेन्काइमा मर्दोत्तक। तो इसमें जो वल्कुट है दो प्रकार के उत्तकों का बना होता है, स्क्लेरेंकाइमा का और पैरेन्काइमा का। स्क्लेरेंकाइमा में आपको बता चुका हूँ इसमें अंतरकोशिकीय स्थल अनुपस्थित होते हैं, जबकि पैरेन्काइमा में अंतरकोशिकीय स्थल पाए जाते हैं। इसकी पैरेन्काइमा की कोशिका प्राय गोल होती है और उसमें अंतरकोशिकीय स्थल पाए जाते हैं, पतली भित्ति वाली होती है, जबकि स्क्लेरेंकाइमा की कोशिकाएँ मोटी भित्ति वाली होती है और उसमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है, अतः वो मृत होती है। अब इसकी ये जो अंतर्वाणी भित्ति है, अंतर्वाणी परत है, इसको एंडोडर्मिस कहते हैं। इसको इस तरह से दर्शाया जाता है, जिसकी कोशिकाओं का आकार बरेल शेप या ढोलक के प्रकार का होता है। और ये एंडोडर्मिस ये वल्कुट का ही पार्ट है, वल्कुट की सबसे आंतरिक परत है। और फिर एंडोडर्मिस के अंदर जो उत्तकों का समूह पाया जाता है, जिसमें पेरिसाइकल भी है, वेस्कुलर बंडल भी है, मेडुलरी रेज भी है एवं टीथ भी है, इनको संयुक्त रूप से रंब कहते हैं। तो ये चौथा हेडिंग है स्टील। तो इसमें पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल, टीथ एंड मेडुलरी रेज, इनको संयुक्त रूप से रंब कहा जाता है, स्टील कहा जाता है। पेरिसाइकल का मैंने बताया कि कुछ पौधों में ये कंप्लीट स्क्लेरेंकाइमेटस हो सकती है, कुछ में ये पार्टली स्क्लेरेंकाइमा एंड पार्टली पैरेन्काइमेटस हो सकती है। पेरिसाइकल के अंदर संबंध पुल पाए जाते हैं जो तने में इस प्रकार के होते हैं, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ओपन एंड एंडार्क, डिटेल बता चुका हूँ। फिर इसमें दो संबंध पुल है, इस संबंध पुल के अंदर मृदुतकीय किरणें पाई जाती है जिसको मज्जा किरणें कहते हैं या मेडुलरी रेज कहते हैं, मेडुलरी रेज पाई जाती है। इसके अतिरिक्त इन संबंध पुलों के मध्य में मृदुतकीय पीथ पाया जाता है, पीथ जो जिसमें भोजन का संचय होता है।
यह है स्टेम की संरचना, और स्टेम वो भी डाइकोट स्टेम की संरचना, डाइकोट स्टेम। अब मोनोकोट स्टेम की संरचना कैसे होती है वो अपन नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। तो ये डाइकोट स्टेम की संरचना का आपको दो डायग्राम बनाने हैं, और इस तरह से इन हेडिंग में क्यूटिकल एपिडर्मिस कॉर्टेक्स एंड स्टिल चार हेडिंग में वर्णन करना है और दो डायग्राम बनाने हैं।